मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर लाइफ फ्रॉम स्टडी फ्रॉम लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ। यह पेपर हमारा बीए पार्ट सेकंड और एमए फाइनल दोनों में चलता है। बीए पार्ट सेकंड के अंदर हम इसे पेंशन शेड में बनाते हैं और एमए फाइनल में ये हमारे कलर्ड है। तो आज मैं आपको स्टडी फ्रॉम लाइफ का बेसिक कि हम किस प्रकार नाप लेते हैं अपने मॉडल की, किस प्रकार ड्राइंग करना शुरू करते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप हमारी फर्स्ट स्लाइड में देखिए, एक फिगर जो हमारा ह्यूमन फिगर होता है, जिसकी हम पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक जिसकी ड्राइंग करते हैं, वो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट आप देखिए हमारा क्या है, फेस बना हुआ है। तो फेस के अकॉर्डिंग फेस से 7 गुना उसको बढ़ाते हैं। हमारा फेस, ये मान लीजिए कि हमारा फेस एक इकाई है और हम इसको 7 इकाई तक इसको हमारे फिगर को बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन फिगर हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारा मॉडल सामने बैठा है, उसके फेस से हम उसे 7 गुना इनलार्ज करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए फेस बने हुए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे 7 फेस तक इसे इनलार्ज करना है। नेक्स्ट, अब आप देखिए कि हमारा फर्स्ट जो वो है इकाई, उसके अंदर सिर्फ हमारा फेस है, लेकिन सेकंड इकाई में क्या आया, हम अपना गले से धड़ तक का बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे चेस्ट तक सेकंड पार्ट और नाभि तक हमारा तीसरा पार्ट आएगा। इस तरह से एक एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हम एक्सटेंशन करते जाएंगे। फिर आप देखिए जो हमारा ये तीसरा पार्ट है, ये हमारा नाभि से नीचे तक के हिस्से में ये हमारा हिस्सा आएगा। और आप इसमें ये भी देखिए, जो हमारा कोहनी है वो हमारे सेकंड पार्ट तक आएगी और जो हाथ है वो हमारे फोर्थ पार्ट तक आएगा। अगर हम इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका जो फिगर है वो बिल्कुल करेक्ट प्रपोर्शन के अंदर बनेगा। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारा घुटने से ऊपर जो हमारे ये है जान, इसके बिल्कुल मध्य तक का हमारा फिफ्थ वाला हिस्सा आ जाएगा। सिक्स हिस्सा जो है हमारे छठी इकाई तक हमारे घुटने आ जाएंगे और सातवीं इकाई से हमारा जो घुटनों से लेकर टखने तक के बीच का जो हिस्सा है, पिंडलिया जिसे हम बोलते हैं, वह हमारा सातवीं इकाई आ जाएगी और आठवीं इकाई तक हमारे ये पैर जो आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा फिगर जो हमारा 7 इकाई के अंदर बनेगा और आठवीं इकाई उसका फेस रहेगा। और आप देखिए कि जो 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारा हाथ, अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये पूरे 5 तक टच करेगा। तो हम इस तरह से जिससे कि हमारे हाथ ना अधिक लंबे हो पाएंगे, तो अगर हम ये चीज ध्यान रखेंगे तो हमारे हाथ बिल्कुल प्रोपोर्शनल बनेंगे, ना वो छोटे हो पाएंगे ना वो बड़े, कि एक हाथ जब खुलेगा तो वो पांचवीं इकाई तक उसको टच करेगा। तो इस तरह देखिए ये हमारा पूरी ह्यूमन फिगर हमारा रेडी हो गया। अगर हम इस अकॉर्डिंग चलते हैं, हम एक जो भी मॉडल सामने बैठा है उसका फेस का हम नाप ले लेते हैं, वो हमारा एक इकाई है, उसके बाद हम उसे 7 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से हमारा पूरा ह्यूमन फिगर तैयार होता है। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम मॉडल को विभिन्न तरीके से बनाते हैं, कभी हम बैठा हुआ बनाते हैं, कभी हम लेटा हुआ बनाते हैं। जब हम बैठा हुआ बनाते हैं तो हमारी इकाइयों की जो नाप है वो चेंज हो जाएगी, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि वो फेस की इकाई से केवल 5 गुना ही ज्यादा बड़ा हुआ होता है। इस तरह से हमारा ह्यूमन फिगर तैयार होता है। अगर हम इस नाप को ध्यान रखेंगे तो हमारा ह्यूमन फिगर बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बनेगा। ये मैं आपको बता दूं, सेकेंड ईयर के अंदर हम सिर्फ इसे पेंशन शेड में बनाते हैं और एमए फाइनल में हम इसे ऑयल कलर से कंप्लीट करते हैं, जो भी मिक्स मीडिया उसके द्वारा हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये जो नाप है ये पूरे तरीके से ध्यान में रखनी होगी, तभी हम एक प्रोपोर्शनेट मॉडल को बना पाएंगे। धन्यवाद।